तो भाई साहब कुल मिला के आ चुके एक और नए गेम प्ले के साथ। खैर सबसे पहले तो मैं पहुँचने के आ जाता हूँ, तभी मेरे आसपास एक से दो स्क्वाड भी आ जाती है। सबसे पहले तो मैं लूट करता हूँ, लेकिन यार लूट तो कुछ होती नहीं। तभी मैं सामने वाले घर के अंदर आ जाता हूँ। तो गाइस जैसे ही मुझे AK मिल जाती है, मेरे पास वाले घर के अंदर एक बंदा आ जाता है। तो भाई बिना सोचे समझे मैं उस पर रश कर देता हूँ। तभी तो भाई साहब जैसे मैं 3x निकाल आता हूँ, तभी बंदा मेरे मुंह पे आ जाता है। खैर यहाँ पे मैं तो बाल बाल बच जाता हूँ, लेकिन गाइज जब भी आप अब जो मोबाइल खेलो तो यहाँ पे पिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इसलिए आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, बोट भाई साहब आ रहे होते हैं। बोट को नॉक एंड फिनिश देने के बाद सामने वाले घर की सारी स्क्वाड होती है, तो मैं घर की तरफ चला जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं कवर लेता हूँ, देन जैसे ही ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, पता नहीं ग्लिच होता है क्या होता है, अपने आप ग्रेनेड छूट जाता है। थोड़ा TPP लेता हूँ, उसके बाद मैं सामने वाले येलो ग्रिल में चला जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक फुटस्टेप आ रहा होता है। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ, भाई साहब अंदर TPP लेके बैठा था। मैं AKM को थोड़ा फ्री फायर भी देता हूँ, लेकिन महाशिर का बाहर निकलने का कोई नाम नहीं था और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि PUBG का पिंग का इशू बहुत चल रहा था। तभी मैं स्मोक करने की सोचता हूँ, क्या पता ग्रेनेड समझ के बाहर निकल के आ जाए। जैसे ही मैं स्मोक करता हूँ, तुरंत नीचे आ जाता हूँ और उसका आने का वेट करता हूँ, लेकिन भाई साहब को तो वहीं पे रहना। खैर अब रस करने का टाइम आ गया था। जैसे ऊपर जाता हूँ, माशे नीचे चले जाते हैं और बोट को मारने लग जाते हैं, एंड मेरे पे रश हो जाता है। फिर क्या था भाई साहब, बस इसी मौके का तो मैं कब से वेट कर रहा था। तभी भाई साहब उसका सेकंड टीममेट मेरे पे आग बंद करके रश कर देता है। फिर क्या था, उसका भी वही हाल होना था जैसे पहले वाले का हुआ था। तो गाइज इन दोनों को फिनिश करने के बाद इसका लास्ट टीममेट होता है, जो कि मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े कैंपर होते हैं, और वो चीज़ तो आप भी जानते हो कि वो जगह कौन सी है, और वो जगह है स्कूल अपार्टमेंट। खैर वहाँ से लूट उठ करके हम डायरेक्टली स्कूल अपार्टमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं भाई साहब, यहाँ से ये लोग मेन बिल्डिंग में भाग जाते हैं। फिलहाल मैं नॉक करने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे मेन बिल्डिंग में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मोली ग्रेनेड की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद ये वाला बंदा कहाँ से निकल गया था कोई आइडिया नहीं। उसको नॉक एंड फिनिश देने के बाद मुझे थोड़ा डाउट होता है और मैं बालकनी में फ्री फायर करता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। बट यहाँ मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट हम मेन बिल्डिंग में रश कर देते हैं। जैसे ही हम मेन बिल्डिंग में आ जाते हैं, एक बंदा गाड़ी लेके अपने टीममेट को रिकॉल के लिए निकल जाता है। खैर यहाँ पे दो बंदे रह जाते हैं जो कि सबसे ऊपर होते हैं। तो मैं थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ एंड ग्रेनेड के पिन को खींचता हूँ, थोड़ा कुक करता हूँ। एंड फेंकता हूँ, लेकिन नो कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं ये लोग डैमेज ज़रूर हो जाते हैं। और उसके बाद सेकंड ग्रेनेड के पिन खींचता हूँ, थोड़ा कुक करता हूँ एंड फेंकता हूँ, इससे उनका एक बंदा नॉक ज़रूर हो जाता है। और उसके बाद मैं रस करने का थोड़ा वेट करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको शुरू से कह रहा था, PUBG के पिंग का इशू देख लीजिए आप। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने मुझे पूरा फिनिश नहीं किया, और उस बाइक की भी काफ़ी कम HP हो जाती है। तभी मेरा टीममेट मुझे रिवाइव करता है। जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, उसके तुरंत बाद गाड़ी आ जाती है। ये वही बंदा होता है जो रिकॉल के लिए गया था। जैसे मैं मेडकिट लगाता हूँ, सबसे पहले तो इस गाड़ी वाले को नॉक एंड फिनिश करता हूँ। तभी इसके टीममेट इसको बचाने के लिए नहीं आते। खैर एक को फिनिश करने के बाद तीन रह जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, ये लोग आने वाले थे नहीं, इसलिए हमें रश करना था। जैसे मैं रश करता हूँ, तभी मेन की राइट वाली बिल्डिंग वाला बंदा मेन बिल्डिंग पर आ जाता है।
भाई साहब जैसे ही आता है मेरे टीममेट पर धनाधन धनाधन M249 चलाने लग जाता है। लेकिन मैं उस ऊपर वाले बंदे का वेट कर रहा था कि एक बंदा बालकनी से पीछे की तरफ जंप कर देता है। जैसे ही वो जंप करता और उसके बाद उसको पूरा फिनिश करने के बाद मेरा टीममेट भी फिनिश हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मेरी उसी वक्त गन रिलोड हो जाती है जिस वक्त मेरी फाइट होने लगती है। अब होती है मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट। अब रहता है हमारा रिवेंज, देखते जाइए। जैसे हम रिकॉल होते उसके तुरंत बाद बिना किसी लूट के निकल जाते हैं अपार्टमेंट। तो गाइज हम आ जाते हैं अपार्टमेंट। अब होता है हमारा महायुद्ध। तो भाई साहब जैसे ही हम अपार्टमेंट आते हैं एक बंदा बाहर आ जाता है, फिर उसको अच्छे से बचाते हैं हमारा टीममेट। उसके बाद मैं अंदर आ जाता हूँ, तभी तभी इनका एक बंदा ऑफ रहता है। ऑफ वाले को नॉक कर देते हैं, गन को बिना रिलोड किए सेकंड वाले बंदे को मारने निकल जाते हैं। उसको नॉक करने के बाद रह जाता है फाइनल बंदा। और उसको भी बड़े अच्छे से अलविदा बोल देते हैं। तो गाइज इस रिवेंज के लिए एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो फाइनली यहाँ से लूट करने के बाद हम रिकॉल टाउन की तरफ जा ही रहे होते हैं। वहाँ दो स्क्वाड के बीच फाइट चल रही होती है। फिर क्या था गाइज, देखते जाइए। सबसे पहले तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और उसके बाद तो भाई साहब इतना डैमेज देने के बाद एक भी किल नहीं मिल पाता। सारे किल मेरे टीममेट चुरा लेते हैं। खैर फाइनली मुझे एक किल मिल जाता है। भाई साहब गाड़ी को इतना डैमेज देने के बाद भी गाड़ी तब भी नहीं फूटती। और मैं गाड़ी को इसलिए फोड़ रहा था, यहाँ एक और बंदा रहता है जिससे इनकी फाइट चल रही होती है। फिलहाल के लिए ये बंदा मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है एंड मेरी काफ़ी कम HP कर देता है। सबसे पहले तो मैं हेल्थ लगाता हूँ और उसके बाद मैं उस पर M4 का स्प्रे देता हूँ और उसके में काफ़ी कम HP कर देता हूँ। और हमारे लेफ्ट साइड इसका एक और बंदा रहता है जो कि भाई साहब बग्घी पर बैठे रहते हैं। बग्घी से उतरने का नाम नहीं, बस उसको बैठे बैठे मारना है। तभी मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, थोड़ा कुक करता हूँ, देन फेंकता हूँ और उसको नॉक करने के बाद इसका एक और टीममेट रह जाता है। देन तो गाइज इस तरह से हम यहाँ थर्ड पार्टी करके दो स्क्वाड फिनिश कर देते हैं। तो गाइज अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं क्या ही बोलूँ। खैर यहाँ से निकलने के बाद तीन बंदे जोन से मर जाते हैं और दो बंदे रह जाते हैं। जैसे ही मेरा टीममेट लास्ट बंदे को मारने लगता है मैं उसका किल चुरा लेता हूँ। तो गाइज ये शानदार सा चिकन डिनर है। फाइनली गाइज आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।